सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स। मेरा सबसे पहले परिचय देवानंद साहब से हुआ अपने फादर रवि कामरा जी के थ्रू। वो हमेशा से फैन रहे हैं, बचपन से मैं देखता आया हूँ कि हम उनके बहुत बड़े फिलिप्स के रिकॉर्ड चेंजर पे देव साहब की मूवीज के गाने सुनते आए हैं। और मेरा जो फैनफेयर है वो मेरे फादर के साथ रिलेटेड होने की वजह से मैंने उनकी सारी पिक्चरें देखी, और उनका जो एक ऑरा, एक मैग्नानिमिटी, एक मैग्नेटिज्म, एक लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी, वो देखने के बाद मैंने जब फैशन इंडस्ट्री ज्वाइन की उसमें मैंने ये महसूस किया कि जो वो फर्स्ट फैशन डिजाइनर और स्टाइलिस्ट थे, वे अहेड ऑफ टाइम्स, उनका जो फैशन की सेंस थी वो आज की तारीख में भी इट इज टू डाई फॉर। और देवानंद साहब के जो फैनफेयर है उनके जाने के बाद भी उतनी ही है, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ अमेजमेंट। आज फिजिकल फॉर्म उनका जो है वो नहीं होने के बावजूद भी आज उनका जो एक ऑरा है, वो उनके जो फैंस हैं वो आज भी उनकी कस्में खाते हैं, एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट द देवानंद स्टोरी। एंड अभी मैं बुलाने जा रहा हूँ मधुर भंडारकर, जो मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं करीब 12 साल से, एंड उनका जो रिलेशन है देवानंद साहब से वो बहुत यूनिक है। उनका इंटरेक्शन मधुर भंडारकर को सब लोग जानते हैं, ही इज अ रियलिटी बेस्ड फिल्म मेकर, जो हमारे समाज के आज के मुद्दे हैं, जो हमारी रियल लाइफ है उसको लेके फिल्में बनाते हैं। और उनकी जो सबसे आइकॉनिक और हिट फिल्म रही है उसमें मैं भी फॉर्चुनेट था कि मेरा भी एक छोटा सा कैमियो रोल था, एंड फैशन मूवी जब बन रही थी उसी टाइम पे मेरी मुलाकात हुई उनसे, एंड उसके साथ साथ ही हमारी दोस्ती आगे बढ़ी। सो मैं बुलाने जा रहा हूँ मधुर भंडारकर साहब। City Live, a platform to sharing your thoughts. Welcome to Dev Festival, Madhur bhai. Namaskar, Rohit. जब मुझे पता लगा आप भी बहुत बड़े देवानंद साहब के फैन हैं, तो I was very excited, and फिर हमने तय किया कि ये हम टॉक करेंगे उनके ऑनर में। So सबसे पहले मधुर भाई मुझे ये बताइए कि आपका उनसे क्या रिलेशन रहा, क्या इंटरेक्शन रहा, पर्सनली आप उनसे कब कब कैसे कैसे मिले, और आपका उनसे पर्सनली क्या रैपो था? रोहित, मैं बोलना चाहूंगा कि मैं देवानंद जी का, आपने कहा कि मैं फैन नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं उनका। मैं, मेरे ख्याल से शायद ही ऐसी कोई देवानंद साहब की पिक्चर जो है ब्लैक एंड व्हाइट एरा से लेकर कलर की जितनी भी पिक्चर है, मैंने उनकी सब पिक्चर लगभग देखी है। और मैं हमेशा देवानंद फैन रहा हूँ कि गाने का, मैंने गाइड, काला बाजार, काला पानी, मैंने तेरे घर के सामने, यू नेम द पिक्चर, आई हैव सीन द फिल्म। और मुझे हमेशा था, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था, मैं जब से उनका फैन हूँ, और मैंने उनकी जाके शूटिंग भी बहुत देखी। मुझे याद है स्वामी दादा एक फिल्म थी उनकी, उसकी शूटिंग में जाके देखता था, महबूब स्टूडियो में, यहाँ पे बैंड्रा में रोड पे होती थी, तो शूटिंग में जाके बहुत देखता, मैं उनको एडमायर करता था। और उनकी स्टाइल मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, देवानंद जी की जो स्टाइल होता था, जो कपड़े पहनने का स्टाइल था। रोहित, आप तो ज्यादा बहुत ही जाने माने डिजाइनर, तो आप ज्यादा जानते होंगे, देवानंद की एक स्टाइल होती थी, मफलर बांधने का स्टाइल था, उनका हेयर स्टाइल था। तो ऑलवेज देव साहब, हमेशा मैं उनको एडमायर करता था, बड़े फ्लैम्बॉयंट, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही उनकी स्टाइलाइज बोलने का, लेफ्ट हैंड में वो बंदूक पकड़ के डायलॉग बोलते थे, बड़ा अच्छा रहता था। जॉनी मेरा नाम, बनारसी बाबू, कई ऐसी फिल्मों में उन्होंने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। तो मुझे जब मौका मिला, मुझे याद है ये पहली बार मैं उनको मिला था 1996 में, जब मैं फिल्म डायरेक्ट कर रहा था, मेरी पहली पिक्चर थ्री शक्ति। तो मुझे याद है जब मैं शूटिंग कर रहा था, उसके सामने वो शूटिंग कर रहे थे, तो हम लोग तो सब पूरी यूनिट हमारा एक्साइटेड था कि देवानंद साहब शूटिंग कर रहे हैं वहां पे। और हम लोग गए नहीं क्योंकि हम लोग को लगा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जब चल के आए, वो मेरे सेट से होके उनको अपने रूम की तरफ जाना था, तो रुक गए और हम लोग लाइक बावले हो गए, मैंने अब मत पूछो कितने बावले हो गए हम, और लाइक हमने देवानंद साहब को घेर लिया, पूरा यूनिट ने घेर लिया, हमारी शूटिंग रुक गई, एवरीबॉडी वाज लाइक देव साहब कैसे हो। और एक कमाल का उनका एनर्जी लेवल था, वाइब्रेंट पर्सनैलिटी, और
बातें उनकी इतनी अच्छी लगी हम लोग को बात करके, बड़ा मधुर ऐसे लगता कल की बात, इतने साल गुजर गए, हम लोगों ने उनकी पिक्चरों की बात की, तो 10-15 मिनट हमारी शूटिंग रुकी, देव साहब से हम बात की, हम लोग फोटो खींचा रहे थे वहां पे कि हम लोग इतना लाइक देव साहब, मैंने देव साहब थे वन ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी थे वो, और बहुत ही फुर्तीले, बहुत ही एनर्जेटिक, मैंने मैंने ऐसा देखा नहीं, जो एज के हिसाब से भी वो उन्होंने देखा कि उनकी एनर्जी बहुत ही कमाल थी। तो वहां से मेरा रेपो रोहित उनसे हुआ, देवानंद साहब से 1996 से, और उनके बाद उनको चांदनी बार के बाद वो मेरे को मिले और कहा मधुर तुमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई, इसी तरह की फिल्म तुम बनाना और बहुत अच्छी तरह से तुम बनाते हो फिल्म, जो इनका स्टाइल होता है देवानंद का, जो हमेशा हर आदमी मेरे ख्याल से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो तो देवानंद मिमिक नहीं करता हो, तो बहुत ही कमाल का उनका एक स्टाइल, एक ऑरा जो मेरे ख्याल से हमें देवानंद का मिला, और बहुत यादें रही है उसके बाद, हमेशा मिलता रहा मैं उनको कहीं बार, मुझे याद मैं फैशन की शूटिंग करा था तभी वो मेरे बाजू में शूटिंग कर रहे थे, जब भी मैं उनके सेट पे जाके मिल के आया तो बैठे चाय वाय पिला उन्होंने, मधुर कैसा है आज, आ जो उनका स्टाइल था बैठ क्या हो रहा है ऐसा, यू नो जो उनका एक अदा थे, जो स्टाइल में बात करते थे बहुत कमाल थे। लेकिन हम लोग देवानंद साहब से जितने बार भी मैं उनके ऑ में था ऑलवेज, तो एक बहुत चीजें उनसे शेयर करने मिली, कहीं चीजें उनसे सीखने मिली, कहीं चीजों की उन्होंने बात की मेरे से, तो बहुत ही अलग लेवल के व्यक्ति थे वो, और मेरे ख्याल से वन ऑफ द काइंड मैं कहूंगा देव साहब थे। बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी रही है जैसा कि हम सब जानते हैं देव साहब की, और मजे की बात मैं सब लोगों को ये बताना चाहूंगा कि फैशन फिल्म जब 2008 में बनी, उससे जस्ट पहले मधुर भाई फैशन वीक्स में आते थे स्टडी करने के लिए कि फैशन क्या है, और उसी टाइम पे वन ऑफ द इंडिया फैशन वीक मेरी उनसे मुलाकात हुई, हमें किसी ने इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद हमारी दोस्ती हुई, और फैशन फिल्म एक वन ऑफ द बेस्ट आइकॉनिक फिल्म जो मुझे याद है बनी, और आज तक भी वो हिस्ट्री में भारत साल के बाद जानी जाती है। सो फैशन से जो रिलेशन है देव साहब का वो बहुत अमेजिंग है, मतलब मैं ये मानता हूँ मधुर भाई की वो सबसे पहले अपने आप में एक फैशन डिजाइनर थे, क्योंकि उस टाइम पे फैशन की किसी को समझ नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल रोहित मैं इसके बारे में बताऊंगा, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि देव साहब का मैंने नोट किया है ऐसे कई जैसे मैंने देव साहब बहुत ही अहेड ऑफ टाइम थे, मैंने इन टर्म्स ऑफ उनके बातचीत, उनके काम, उनका जो देखना, तो हमने कही तो वो जो वो बहुत ही प्रभावित थे हॉलीवुड फिल्म से और उनकी पिक्चर देखते थे, और देव साहब क्या करते थे कि वो जब भी अब्रॉड जाते थे वो वहां से वो लेके आते थे अपना क्लब कपड़े जो डिजाइनिंग होते थे उस टाइम पे 60s में 70s में, तो वो जाते थे तो बाहर सब बैग भर भर के लाते थे कपड़े अलग अलग स्टाइल के अलग अलग, तो यहाँ पे बहुत ही वो अनयूजुअल हुआ करता था उस वक्त पे कि यार देव साहब ने कौन सा ये जैकेट पहना है, कौन सा उन्होंने स्वेट टी शर्ट पहना है, कौन सा ये बेल्ट लगाई है, या कौन सा उन्होंने शूज पहना है, या किस तरह का जीन्स पहना है, तो ये लोग हमेशा, मैं तो देवानंद का खुद का मेरे ख्याल से वो जो था ना उनका एक जो उनको फ्लेयर था, मैं कहूंगा कि किस तरह से कपड़े का उपयोग होना चाहिए और किस तरह से उनकी स्टाइलिंग होती थी, जो मैंने देवानंद स्टाइल जिसको हम कहते थे, उनकी बाल की हेयर स्टाइल, उनकी कपड़े की हेयर स्टाइल, मफलर पहनने का स्टाइल, जैकेट पहनने का, जैसे कहा लेफ्ट हैंड में बंदूक पकड़ के डायलॉग बोलना, तो उनकी एक स्टाइल हुआ करती थी, तो कई चीज लोगों ने इतनी पसंद की और मेरे ख्याल से लोगों ने आज भी देवानंद स्टाइल या देवानंद की स्टाइल को इमिटेट करने वाले बहुत लोग हैं एंड ही इंस्पिरेशन फॉर द जनरेशन। आई थिंक मधुर भाई अमेजिंग बात क्या है ये समझने की कि फैशन जो है वो एक फील्ड है, बट स्टाइलिंग अभी ना बहुत 5-7 सालों में सिर्फ एक बहुत बड़ा फील्ड इमर्ज जो क्या है, तो स्टाइलिंग और फैशन दोनों क्लब हैं, बट दोनों बहुत सेपरेट भी हैं बहुत कई मायने में। और अमेजमेंट की बात क्या है कि बैक इन 70s यू नो देवानंद साहब की डिजाइनिंग, उनका कलर कॉम्बिनेशन और साथ में उनकी स्टाइलिंग, मतलब पूरे लुक को इकट्ठा एक साथ दिखाना, जिसके के लिए आजकल सब फिल्म स्टार्स एक प्रोफेशनल हायर कर रहे हैं, बट उनके साथ कोई भी प्रोफेशनल नहीं था, वो सब कुछ लुक जो है वो पूरा खुद क्रिएट कर रहे थे। ये जो है आप सोचिए कितना वे अहेड ऑफ टाइम्स है, मतलब ही वाज
50 years way ahead of times. बिल्कुल सही कहा आपने ये बात. सो अब आप मेरे को एक चीज और बताइए मधुर भाई कि इनका जो पर्सनालिटी थी वो आपने एक्सप्लेन की, उसके अंदर उनकी जो वॉर्म थी, उनकी जो जैसे वो आपके पास सेट पे आए, उन्होंने जो अपनापन बनाया, उनकी जो एक आत्मीयता थी, एक यू नो दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट हिज पर्सनालिटी, तो उसके बारे में और बताइए थोड़ा. देखिए देव साहब जो थे ना वो हमेशा ही ऑलवेज टेल मी कि मधुर मैं फिल्म बनाता हूँ भूल जाता. मुझे याद है एक अवसर, मुझे याद है और एक बार मुझे अवसर मिला था उनसे मिलने का, 2007 में या 2008 की बात कर रहा हूँ, जब मैं लंदन में हम लोग एक अवार्ड फंक्शन में थे, जी अवार्ड था मुझे याद है, और आने के टाइम पे हम लोग फ्लाइट में साथ में थे और मुझे मौका मिला उनके साथ बाजू में बैठने का. एंड कुछ हम लोग, मेरे ख्याल से 8-8.5 घंटे की फ्लाइट होती, तो काफी देर हम लोग बैठे साथ में खाना खाए. एंड उनसे जो मौका मिला, कैप्टिव था वो, तो फ्लाइट में आप जा नहीं सकते हो, तो उससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता. और लाइक हम तो देवानंद के कहने के हम लोग बहुत ही चेले उनके, लाइक इतने फैन थे, तो हमको तो देव साहब से वो मौका और नॉस्टैल्जिक बातें करना, गाइड हरे राम हरे कृष्णा, देश परदेश, लूटमार पिक्चर की बातें करना या पुरानी उनकी पिक्चरों की हम बातें करना, तो इतना मजा आया उनके साथ बात करने से, कई चीज सीखने मिली उनको. देखिए एक चीज था देवानंद का जो मैं कहूंगा हमेशा, वो उनका एक फिलोसॉफी थी या वो स्टाइल था, वो हमेशा कहते मधुर मैं फिल्म बनाता हूँ बाद में भूल जाता हूँ, आई डोंट लुक बैक एंड आई मूव अहेड, चली चली नहीं चली नहीं चली, एंड ही टू मूव बैक मूव अहेड के नेक्स्ट पिक्चर. माने उनको उनको कभी भी कोई भी चीज जो है ना वो कभी डिमोरलाइज कभी भी उनको नहीं लगा कि यार नहीं चली पिक्चर तो अभी क्या होगा. वो बोला मधुर मैं लेके क्या आया था, मैं जिंदगी में इस तरह का, जो उनका मुझे लगता है गाना मुझे याद आ रहा है कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, देव साहब का जो फेमस गाना है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. तो मेरे ख्याल से वो चीज जो है देवानंद की वाकई में लाइफ की फिलोसॉफी थी, जो वो बहुत ही कनेक्टेड थे और या बहुत ही उनको लगता था, ये बहुत वार्म था उनको लोगों से मिलना, एयरहोस्टेस से बात करना, लोगों से बात करना, को आके फोटो खींचा के मना ना करे, मैंने ऑटोग्राफ साइन करना, मैंने ही वॉज पब्लिक के साथ वो हमेशा ही बहुत ही अच्छे थे और उन्हें कूल आदमी थे. मैंने देवानंद साहब को 96 से पर्सनली तौर पे जानता हूँ और मुझे याद है 2012 में बिल्कुल से वो उनका डिमाइस हुआ था, उस वक्त तक 2012 या 2011 उस वक्त तक मैं, मुझे याद है जो उनके डिमाइस से भी कुछ एक दो महीने पहले या 3 महीने पहले उनका जो बर्थडे था, यहाँ पे ब्लू सी बोल के एक जगह है वली में, वहां पे हमने एक हमारे फ्रेंड है जो फिल्म अपना मैगजीन के एडिटर है, उन्होंने एक फंक्शन रखा था, मुझे बुलाया गया, मेरी फोटो भी उनके साथ, देव साहब के साथ, वो लास्ट फोटो मैंने लास्ट टाइम उनसे मिला देव साहब को, लेकिन उनकी उनकी एनर्जी लेवल थी कि मधुर अभी मैं 2 फिल्म और शुरू कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो है. तो मुझे लगा कि दिस मैन इज लाइक यू नो ही बड़े, इतना इंस्पिरेशन और इतना उनकी एनर्जी लेवल परफेक्ट थी उस वक्त भी. एंड जब मुझे ये न्यूज मिली कि वो देव साहब नहीं, बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ मुझे. मेरे ख्याल से वो एक देव साहब हमेशा जो हमारे लिए, मेरे लिए तो आज भी वो एवरग्रीन रहेंगे, आज भी इमॉर्टल है वो मेरे लिए. तो आज भी देवानंद साहब देवानंद, आज भी मैं आपको बताओ हफ्ते में 1-2 बार मैं उनकी गाने पीछे यूट्यूब पे देखता हूँ या कोई सीन उनका मुझे अच्छा लगता है मैं देखता हूँ. तो बहुत सी सी चीजें हैं. तो मैं उनके साथ जितने बार भी मिला वो बहुत ही, जैसे कहा ना कि ही वॉज इज ओन स्टाइल. और उन्होंने हमेशा कहा कि मधुर मैं फिल्में करता चला गया, मुझे जो समझ में आया मैंने किया, कुछ फिल्में मेरे को ऐसी ऑफर हुई जो मुझे नहीं समझ में मैंने नहीं की, लेकिन आई डोंट रिग्रेट. उन्होंने ये चीज कहा, आई डोंट रिग्रेट, कि ठीक है होता कभी कभी, उस वक्त मुझे लगता है ये फिल्म नहीं करनी चाहिए, बाद में जाके हिट हुई है, लेकिन आई डोंट रिग्रेट. तो ऐसी कई ऐसी चीजें हैं. उनकी जितनी लार्जर देन लाइफ इमेज रही है मधुर भाई, उसमें उनके बारे में एक ट्रिविया था, लोग कहते हैं ऐसा सच नहीं है, बट कोई कोर्ट ने उनको ब्लैक सूट पहनने से बैन कर दिया था कि लड़कियां उनको देख के छत से कूद जाएंगी, ऐसा हाँ, उनके बारे में बहुत सुनने में. ये पता नहीं है, ये 60s की बात है, 70s भी नहीं, 60s की बात है, जब वो तेरे में तेरे घर के सामने या असली नकली इस तरह की पिक्चर जो उन्होंने की, 3 देवियां, तो बहुत ही दीवाने थे उनके उस टाइम पे, बने अब्सोल्युटली देवानंद साहब. तो ये ऐसा कहा गया, ये मैंने कभी देखी, मैंने कभी पूछा नहीं उनसे, लेकिन
ये मिथ है या और ये हकीकत है मुझे पता नहीं, लेकिन ये धारणा है कि वो एक हमेशा एक इमेज बनी थी कि देव साहब को किसी कोर्ट ने कहा कि यू नॉट बी, वो मजाक में किसी ने बोला है क्या बोला पता नहीं है, लेकिन लेकिन हाँ डेफिनेटली बाद में पता लगा कि ये मिथ ही था, बट हाँ। एक ऐसा एक बात चल जानी उस जमाने में, जिस जमाने में कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ उस जमाने में ऐसी बात चल जानी तो एक बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड बात है। एब्सोल्युटली आउट ऑफ द वर्ल्ड बात है। मैंने देवानंद साहब का औरा, मैंने कहा ना कि कमाल थे। मेरे पिताजी मेरी मम्मी हमेशा कहते थे कि मैं उनके बारे में हमेशा बचपन में उनसे सुनता था, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन वो हमेशा कहते थे देवानंद साहब का जो औरा हमने देखा, उनकी इम्पाला गाड़ी जाती थी तो लड़कियां पीछे भागती थी, लोग भागते थे, फैन भागते थे, कि जैसे कहते देवानंद साहब और उसके बाद राजेश खन्ना साहब का एक जमाना आया जो लोग कहते ना कि गाड़ी गई तो टायर है उसकी धूल उठा के ऐसा लगाते थे रखते थे कि देवानंद साहब की गाड़ी है या यू नो, तो वो औरा जो देव साहब का रहा है मैंने बहुत ही अद्भुत रहा है। मैंने ऐसा मैंने किसी स्टार का उस वक्त पे मैंने तो देखा नहीं उस वक्त पे, लेकिन जितने बार भी मैंने कहा कि 70s 80s में उनकी शूटिंग में जाके मैं देखता था तो वो कमाल उनकी जो पर्सनैलिटी थे, जैसे मैंने कहा स्वामी दादा मुझे याद है, लोग को जमा करना इकट्ठा करना, देवानंद के फैन थे, देवानंद फैन ऑल ओवर द वर्ल्ड, माने उनको जान चाहिए, माने देवानंद के अभी भी फैन है, उस वक्त भी इतने फैन, देवानंद के गाने देवानंद की याद। मैं आपसे ट्रिविया शेयर करना चाहता हूं कि आनंद ही आनंद एक पिक्चर आई थी 1984 में, देवानंद साहब के बेटे ने उसको उसमें उसको लॉन्चिंग था सुनील आनंद, और वो पिक्चर में देव साहब अपने ही बेटे का जो ही वाज प्लेइंग फादर इन द फिल्म, तो देव साहब ने मुझे याद है कि उसमें व्हाइटनर कर लिया था, बाल सफेद की थी साइड से यहां से, तो वो पिक्चर चली नहीं बॉक्स ऑफिस पे, बड़ी ही एवरेज थी, और वो लेकिन देव साहब को मुझे याद है उस वक्त पे पेपर में जैसे कि स्टारडस या मुझे मालूम स्टार एंड स्टाइल हुआ करता था, तो मुझे याद है उसमें लिखा था कि देव साहब को इतने चिट्ठी आए वर्ल्ड ओवर से और लोगों ने ये कहा देव साहब देखिए आपने फिल्म चली नहीं चली वो ठीक है लेकिन आप ये बाल सफेद मत कीजिए यहाँ पे, तो बहुत से लोगों ने बोला ऐसे क्यों, तो उसने बोला कि आप हमारे इंस्पिरेशन हो, आप हमारे लिए बहुत ही प्रिय हो और आपको देख के हमको लगता है देवानंद अभी भी जवान है तो हम भी जवान है, तो आप इतने जन की प्रेरणा हो, इतने जन की इंस्पिरेशन हो, तो जिंदगी में आगे कभी प्लीज डोंट ग्रे योर हेयर, तो मेरे ख्याल से देव साहब ने उस वक्त के बाद लास्ट तक के पीछे कभी ग्रे नहीं किया अपने हेयर। तो ये बहुत कमाल का एक ट्रिविया है कि देवानंद के मैंने इमेजिन द काइंड ऑफ फैन थे उनके कि 84 में उनको चिट्ठी लिखी गई लोगों ने कहा कि आप प्लीज अपने घर ग्रे मत कीजिए कभी भी, आप पिक्चर जैसी होगी हम देखेंगे आपकी पिक्चर, जैसी बनाते हो आप बना अपनी कन्विक्शन से बनाते हो आप, लेकिन आप कभी भी आप बाल ग्रे मत कीजिए। उनके इतने आर्डेंट फैंस रहे हैं और उसी की बदौलत है कि जयपुर में द एवरग्रीन देवानंद सोसाइटी बनी है जिसके सौजन्य से ये हम बात कर पा रहे हैं, और उनका आज का हमारा टाइटल ये है कि यू नो दैट ही वाज द फर्स्ट स्टाइल आइकॉन, यू नो उसके एक्चुअली ऐसा कहते हैं जो उनके बहुत क्लोज थे, उनके बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे उनके स्टाफ में, कि किसी ने भी उनको आज तक नाइट सूट में नहीं देखा है, वो अपने कमरे से तैयार होके ही बाहर निकलते थे और आज तक उनको किसी भी कॉम्प्रोमाइजिंग गारमेंट में जैसे कि बनियान हो गया या लुंगी हो गया या किसी भी तरह से नाइट वेयर में कुर्ता पजामा किसी ने देखा ही नहीं है, वो हमेशा शायद हकीकत होगा रोहित, मुझे लगता है हकीकत होगा क्योंकि वाकई हमने भी किसी को देखा नहीं, देवानंद हमेशा थे एकदम फुर्तीले मस्त एकदम, मुझे बहुत बार मैंने जैसे कहा ना प्लेन में हम लोग मिलते थे बॉम्बे दिल्ली भी बहुत बार से प्लेन में हम लोग टकराए बातचीत की, तो ही वाज ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, उनका एक स्कार्फ होता था बड़ा पहनते थे, जैकेट पहनते थे दो तीन, यू नो स्टाइल में रहते थे वो, तो हाँ ये बात हकीकत है कि ऐसा उनको भी देखा नहीं ना हमने पिक्चर में देखने मिला कभी, वो अगर हमारे उनके एज अ फैशन आइकॉन की बात करते हैं तो उनके स्कार्फ जो हैं और हैट्स वो स्पेशली बहुत रेज बने, मतलब आज की तारीख में भी अगर किसी को मिमिक्री करनी है या उनका बॉडी लैंग्वेज को पोर्ट्रे करना है तो उसमें सबसे पहले हैट और स्कार्फ का रोल जो है वो इंस्टेंटली हमारे विजन में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि वो पर्टिकुलर ट्रेट था देव साहब का, मैंने जो हैट पहनना जो आप मैं बोल रहा हूँ मेरे रोमते खड़े हो गए कि
हरे राम हरे कृष्णा में जो उनका एक वॉक है जो चल रहा है, बहुत कमाल का वॉक है, जो आगे बेल्ट लगाया है, जैकेट पहना ऊपर से और एक कैप लगाया, बहुत कमाल है। या प्रेम पुजारी में हम देखेंगे कितना मधिर कितना मधुर तेरा मेरा प्यार जो गाना है, फूलों के रंग से, जो गाना बहुत ही कमाल का है, स्विट्जरलैंड में शूट किया गया उसको, और पहली पिक्चर थी देव साहब की, वो एज ए डायरेक्टर उन्होंने डायरेक्ट की थी फिल्म को, तो कमाल है। फिर वो शौकियों में गोला जाए, थोड़ा सा फूलों का शराब, वो गाना नहीं है इसमें, फिर मिले जाए थोड़ी सी शराब, होगा फिर नशा वो तैयार वो प्यार है, जो गाना है नीरज जी ने लिखा था, बहुत ही कमाल का गाना था वो भी। उसमें भी आप देखिए हैट वेट पहन के, ज्वेल थीफ का जो गाना है, ज्वेल थीफ का भी उनका कैप देखिए, तो डेफिनेटली वो पहले आइकॉन थे हमारे हिंदुस्तान के स्टाइल आइकॉन, और जो अलग टाइप के जो उनके मैंने कहा ना, वो कपड़े हमेशा इम्पोर्ट करते थे, और जो उनको वो ट्रैवल बहुत करते थे, देव साहब ट्रैवल में तो बाप रे बाप मास्टरी थी उनकी, तो ही शुड ट्रैवल अ लॉट, क्योंकि मैं जितने बारे में बोला मधुर, मेरे को ट्रैवल अच्छा लगता है, लोगों से मिलता हूँ, विजन बढ़ता है, इंटरेक्ट होता है, एंड ही वाज नेवर अ फिल्मी फिल्मी काइंड ऑफ अ पर्सन, वो जहां जाते थे पार्टी में थोड़ी देर बैठे अपने निकल गए, तो ही वाज अ रीडर। मैं बॉम्बे के उनके घर पे भी उनके मैं गया, यहाँ पे घर पे मैंने उनके ऑफिस में जहां पे उनका डबिंग स्टूडियो होता था आनंद बोल के, और वहां पे भी जब भी मुझे याद है डबिंग हमारी होती थी तो मैं देव साहब तो मैं चला जाता था, और देव साहब से मिलना मैंने अपने आप में 15-20 मिनट, मुझे लगता था दो चीज सीख के आऊंगा, देवानंद से मिलना अपने आप में बहुत ही कमाल का था, वो इतना आपको इन्फ्यूज करते थे एनर्जी आप में कि आपको लगता हाँ यार कुछ करना और कि दिनों। सो मैं उनसे जब भी मिला तो बुक्स पढ़ी होती थी, स्क्रिप्ट पढ़ी होती थी, तो ही वॉज अ वेरी एविड रीडर ऑफ बुक्स, काफी बुक्स पढ़ते थे वो, वर्ल्ड को अपने हिसाब से देखते थे वो, पॉलिटिकली वेरी अवेयर पर्सन थे, करंट अफेयर पे क्या हो रहा है देश में उनको पता था, ही वॉज वेरी अवेयर पर्सन, एंड ही लिव्ड हिज लाइफ हिज ओन वे बॉस। मुझे नहीं लगता देव साहब ने अपने लाइफ में, जब स्टाइल की बात करें, जो उनकी पिक्चरों की बात करें, जहां उन्होंने एज एक्टिंग की, जहां उन्होंने डायरेक्ट किया और एक्टिंग की, वो अपने हिसाब से उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई है, ही नेवर फॉलोड सम पर्टिकुलर क्राउड और सम पर्टिकुलर थिंग की ये ऐसा होना चाहिए, एंड तक मैं बता रहा हूँ, एंड तक देव साहब अपने हिसाब से रहे, जहां पर उन्होंने करियर शुरू किया था एंड तक वो अपने हिसाब से रहे। मधुर भाई, वो हमारे एक तरह से कह सकते हैं इंडिया के बॉलीवुड इंडस्ट्री के फर्स्ट ट्रेंड सेटर रहे, जिन्होंने इतने ट्रेंड सेट किए कि लोगों ने उनको फॉलो भी किया, उनके जैसे कपड़े बनवाए पहने, यू नो ही क्रिएटेड अ लॉट ऑफ बिजनेस, एंड ही वाज अमेजिंग इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। एब्सोल्युटली। तो मधुर भाई, अभी लास्टली एक बात क्वेश्चन पूछूंगा कि एज अ डायरेक्टर जो उनकी फिल्मों में पकड़ थी, जो विजन था, क्योंकि आप भी डायरेक्टर हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जो माइन्यूट डिटेलिंग थी हर चीज को लेके, कपड़ों से लेके और फिल्म मेकिंग तक और एक्टिंग जो कि उनका पैशन था, उसके बारे में क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, देव साहब हमेशा एक स्टाइलाइज और बहुत ही फ्लैम्बॉयंट पर्सनैलिटी रहे हैं, और उनके गाने जो है वो बहुत ही, मैंने बताया ना आगे कितनी जनरेशन होगी वो, इट विल बी ऑलवेज रिमेम्बर्ड, जो उनके ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर की गाने हो या उनकी बाद में कलर पिक्चर की बातें हो, और देवानंद जो हमेशा ही लोगों को इंस्पिरेशन और इंस्पायर करता रहेगा वो रहेगा, और मेरे ख्याल से उन्होंने अपना खुद का एक स्टाइल बना लिया था, देवानंद स्टाइल जिसको हम कहते हैं, सिग्नेचर स्टाइल, सिग्नेचर स्टाइल था वो उनका, गाने में उनका जो एक स्टाइल हुआ करता था, या उनका एक डायलॉग बोलने का तरीका था या एक्शन का तरीका था, तो देवानंद स्टाइल ही अलग ही स्टाइल हुआ करती थी, यू नो, वेरी फ्लैम्बॉयंट थे। मुझे लग रहा है ही हैज डन फिल्म्स जिसमें ही हैज डन ऑल काइंड ऑफ रोल्स, जैसे वो हमेशा कहते मधुर जो पिक्चर समझ में आने नहीं की, उसने बाकी हर टाइप के रोल किए, जहां मुझे एक गाइड फिल्म जैसे हम कहते हैं कि बहुत ही आइकॉनिक, बहुत ही कल्ट फिल्म रही है हम सबके लाइफ में, मैंने आज भी मेरे ख्याल से 50 साल के ऊपर होने के बाद भी वो फिल्म आज की फिल्म लगती है आपको, इतनी अच्छी लगती है, मैंने गाइड एक, और मुझे हाँ एक मैं ट्रिविया जरूर शेयर करूंगा कि मुझे याद है कुछ साल पहले, ज्यादा नहीं 8-9 साल पहले की बात है, जब गाइड का एक स्क्रीनिंग किया गया था रेडियो FM की तरफ से मेरे ख्याल से, और यहाँ पे
गोरेगांव में हुआ था और गाइड दिखाई जानी थी प्रिंट पे पहली बार, क्योंकि मैंने एज अ बचपन में तो बहुत ही बच्चे थे हम लोग, तो पिक्चर थे कि हमने वीडियो कैसेट पे बहुत देखी थी, डीवीडी पे बहुत देखी थी, लेकिन थिएटर में देखने का मजा और था। तो उन्होंने अरेंज किया था रेट्रो वीक जैसे कहते हैं ना रेट्रो में, तो पूरा यकीन मानोगे और हमको पता चला कि देवानंद साहब आ रहे, हम तो पागल हो गए कि देवानंद इज गोइंग टू वॉच द मूवी विद अस। एंड दिस इज जस्ट टॉकिंग 5-6 years back, 6-7 years back आई थिंक सो। तो 2010 की बात कर रहा हूं मैं, तो हम लोग चले गए वहां पे देखने के लिए। आप यकीन मानोगे रोहित, इतना बड़ा थिएटर यहाँ पे ओबरॉय मॉल में, पब्लिक जमीन पे बैठी, नीचे सीट्स तो फुल थे, पब्लिक जमीन पे बैठी है, माने मैं कहूंगा जितने लोग सीट पे बैठे उससे दुगना लोग जमीन पे बैठे वहां पे। एंड हर तबके के लोग, माने बुजुर्ग थे, यंगस्टर्स थे, गर्ल्स थी, माने जितने आप बोलो यंगस्टर्स थे। आई वॉज वेरी शॉक्ड टू सी के गाइड पिक्चर देखने के लिए इतना। और मुझे याद है, मैंने अभी रोम से खड़े हो गए यार, के देवानंद साहब जैसे शुरू होने से पिक्चर से पहले वो अंदर एंट्री किया हमारे, खुद आए वो पिक्चर बैठ के, पूरी पिक्चर बैठ के देखी उन्होंने 3 घंटे की। जैकी श्रॉफ थे मुझे याद है, और हम मैं बैठा था। आप यकीन मानो मैं तो आई बिकेम लाइक अ किड, क्योंकि वो ए रो में थे, मैं बी रो में था, तो जैसे डायलॉग स्क्रीन पे हम देख रहे हो, मैं देवानंद साहब को पीछे देख रहा हूँ, बार बार फिर मेरे दोस्त को आगे देख रहा, मैं देवानंद साहब को देख रहा हूँ। एंड ही वॉज इन मॉइस्ट आईज, माने अब यकीन मानो जो पिक्चर खत्म होने के बाद देव सब खड़े हो गए, अपलॉड जो मिला उनको, आई कैन इमेजिन द काइंड ऑफ अपलॉडेड ही गॉट वो देयर। एंड माने तालियां रुकी नहीं बजने थे ले, और जो पिक्चर चल रही थी डायलॉग देवानंद बोल रहे उससे पहले पब्लिक डायलॉग बोल रही है, माने इतना कमाल का वो, मुझे ख्याल से मैंने ऐसा मोमेंट तक मैंने लाइफ में देखा नहीं देव साहब का, जो था जब वो वॉक करके बाहर गए अपने अपने से एग्जिट से बाहर थिएटर, पब्लिक तालियां, माने पिक्चर खत्म होने के बाद भी 5-7 मिनट अप्लॉज तालियां जो उनको मिली इज अनबिलीवेबल। एंड दैट वॉज देवानंद, दैट वॉज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी कि मैंने गाइड पिक्चर देवानंद के साथ देखी, आपको एक पहचान दी और अलग तरीके से आपने उनसे इंटरेक्ट किया, यू नो, पहले एज अ फैन, उसके बाद एज अ फिल्म मेकर। So, I mean, that is a vast, you know, thing, you know, but it is an amazing thing. But मैं very fortunate हूँ कि मुझे देव साहब से मौका मिला as a, मैं जब वो एक्टर थे मैं कुछ भी नहीं था, मैंने उस वक्त भी उनकी शूटिंग देखी है, और उसके बाद मैं जब फिल्म मेकर बना, जब मेरी पिक्चरें बनना शुरू की, तब I was very fortunate, he knew me, he knew my the kind of movie I made. तो बहुत अच्छा लगा उनसे शेयर करके। इट वाज अ ड्रीम कम थ्रू मेरे लिए, बहुत बड़ा था कि आप यकीन मानोगे, माने कभी कभी हम बैठे ऐसे रूम में, कभी देवानंद साहब का फोन आता तो हम खड़े हो जाते थे, माने द रिस्पेक्ट दैट पर्सनालिटी हैड, माने हम बैठे हुए, मेरे को याद है 8-10 दिन, मैंने जब 8-10 लोग के साथ बैठे, सडनली मैंने देखा अरे देव साहब फोन करते, हम खड़े हो जाते, हाँ देव साहब बोलिए ना सर, क्या फोन किया, और वो उनकी बात, उसके बात होती थी, माने आप यकीन मानेंगे 30 सेकंड वो बोलते थे, मधुर मेरे पास एक लड़का आया है, तुझसे मिलना चाहता है, बहुत कमाल का लड़का है, इससे मिल लेना, इसका नाम ये है, उसको तेरा नंबर दे रहा हूं, तो उससे मिल लेना, बाय, और फोन रखा। दिस वाज देवानंद, दिस वाज अमेजिंग, माने इतना ही सटीक, मैंने हमारे लिए मधुर क्या कर रहा है, एक परी लाइन वो, उसके बाद अपने जो उनके मतलब की बात है वो करके, ओके बाय कट। आई थिंक दैट वाज एब्सोल्युटली, इट वाज मैंने अभी भी नंबर उनका सेव किया, अभी मैं उनको ट्विटर पे फॉलो करता हूँ, यू नो समथिंग यू कांट जस्ट चेंज ऑफ देवानंद, दैट्स देवानंद। And that's an amazing thing, Madhubhai. आपका जो experience है वो share आपने किया. Thank you very much. And we will be in touch, and you know, I'm glad that you were a part of this day festival. I'm really happy. Thank you so much. All the audience should see Devanand movie. They are on Netflix, Amazon, and Hotstar. A lot of movies are there. All the youngsters se main appeal karunga, wo picture dekhe, Guide, Tere Mere Sapne, Jewel Thief, aur Hare Rama Hare Krishna se picture dekhni chahiye unko. And they will learn a lot. They will understand Devanand in a different perspective also.
and obviously they will enjoy the beautiful song. Thank you so much, Rohit. Thank you. Thank you. Jaldi milte hai. Jaldi milte hai. City Live, a platform to sharing your thoughts.